करता हूं पावन मंच और आपकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूं। आप लोगों के हंसते मुस्कराते चेहरे देखकर आज उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी कि लॉकडाउन में ठेके खुलने पर मिली थी। गलत मत समझना, आप सभी सफल व्यक्ति बैठे हैं, सफलता के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है साहब, लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। एक बार मैंने तो संचालक महोदय से कहा, ये मेरे गुरु हैं आदरणीय श्री ऋषि गुप्ता जी, संचालक महोदय से कहा कि एक कहावत सुनी है, हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। यही सोचकर मैंने शादी की, किस्मत फिर भी नहीं बदली। ये बोले नहीं बदली, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं बदली। इनका जवाब था तो एक बार लुगाई बदल कर देख ले। तब महिलाएं कहीं कहीं से भी निपटा सकती है। एक बार मैंने पत्नी का पर्स टटोला, जैसे ही खोला पर्स टटोला उसमें बिंदियों के पत्तों का ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा ये कबाड़ा कहां से इकट्ठा कर रखा, इसे फेंक दे। पत्नी गुस्से में बोली, खबरदार जो एक भी शब्द आगे कहा ये मेरी स्वाग की निशानी है, मतलब मेरा स्वाग है। मैं, अच्छा स्वाग है, तभी तू इसे रोज बदल लेती है। साहब इसी बात पर हो गई लड़ाई। उसने मुझे 50 बातें सुनाई, इसी बात पर उसने मुझे 50 बातें सुनाई। मैंने कहा भाग्यवान एक तू और एक वो सावित्री जो यमराज से भी पति के प्राण वापस ले आई। बोली जा पति धर्म की बातें मुझे ज्यादा मत सिखा, अरे प्राण तो मैं भी वापस ला सकती हूं, पहले तू मर कर तो दिखा। बस वैसे ही मस्ती आनंद के साथ सुनिए साहब। एक दिन पत्नी आई मेरे पास गुस्से से, सांस फूल रही। मैंने क्या हुआ कि काम करती हूं तो सांस फूल जाती है, मैं सांस फूल जाती है तो मत किया कर, कि नहीं करती हूं तो सांस फूल जाती है। वाह 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 साहब, ये स्थितियां हैं, ये स्थितियां हैं साहब। मैं तो बता रहा था एक बार क्या पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हट गया, अगला बैंकॉक जाकर बैठ गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति हट गया, अगला बैंकॉक जाकर बैठ गया। पत्नी ने फोन मिलाया और कहा सीधे सीधे मान जाएगा, या उंगली टेढ़ी करूं या फिर सीधे सीधे मान जाएगा। अरे भारतीय नारी हूं, यमराज के यहां से भी वापस ले आई थी और तू बैंकॉक से नहीं आएगा। साहब एक बार खुलकर तालियां बजाइए जिससे लगे कि आपकी उपस्थित हो यहां पर। मुझे तो पता है अभी मैं जैसे ही आपके प्रांगण में प्रवेश किया तो दो मुझे छात्र मिल गए, बड़े सीधे सज्जन, बड़े शिष्टाचार युक्त, डिसिप्लिन युक्त। मैंने कहा भाई आप इतने प्यार से रहते हो, ये तो स्कूल का बहुत अच्छा व्यवस्था है स्कूल की। बोले ऐसी कुछ बात नहीं है, हम प्यार से रहते हैं, पता नहीं एग्जाम में कब कौन को किसके पीछे बैठना पड़ जाए। साहब ये स्थिति हो जाती है। मैंने तो एक छात्र से पूछा, मैं अंग्रेजी जानता है कि हाँ जानता हूं। बोले कितनी, बोले जितनी पापा पीते हैं। एक मुहावरा पूछा एक बच्चे से, मेरे ये बता एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, बताओ कैसे। वो बोला उसके घर में शौचालय नहीं होगा। आजकल साहब बिल्कुल देखो, मैं प्यार मोहब्बत की बात बिल्कुल नहीं करता हूं, हास्य व्यंग का कवि हूं, मस्ती आनंद का कवि हूं, मस्ती आनंद के साथ जुड़ी है साहब। वैसे भी उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्यार मोहब्बत तो वर्जित ही है, क्योंकि योगी जी के राज्य में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है, योगी जी के राज में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है, आधार कार्ड रखना पड़ता है भले पत्नी सगी है। योगी जी के राज में प्यार करने की उम्मीद कब जगी है, आधार कार्ड रखना पड़ता है भले पत्नी सगी है। उन्होंने खुद तो प्यार किया नहीं और हमें करने भी नहीं देते। उन्होंने खुद तो प्यार किया नहीं और हमें करने भी नहीं देते, ऐसा लगता है जैसे आचार संहिता लगी है। वाह 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 वाह।